हेलो एवरीवन, आज हम एलिगेशन एंड मिक्सचर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली कैट 2019 में पूछा गया है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन इज पी परसेंट इफ 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स पी ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। ईच ऑफ थ्री वेसल्स ए बी सी कंटेन्स 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ 10%, 22% एंड 32% रेस्पेक्टिवली। Now 100 milliliter of the solution in vessel A is transferred to vessel B. Then 100 milliliter of the solution in vessel B is transferred to vessel C. Finally 100 milliliter of the solution in vessel C is transferred to vessel A. The strength in percentage of the resulting solution in vessel A is, and the options are. ये question एक moderate level का question है। यहाँ थोड़ी calculation speed आपको तेज रखनी होगी। ए बी एंड सी ये तीन वेसल्स हैं हमारे पास में। हर एक में 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन भरा हुआ है सॉल्ट का, जहां सॉल्ट की स्ट्रेंथ है 10%, 22% एंड 32% रेस्पेक्टिवली। स्टेप वन में हम वेसल ए से 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन वेसल बी में ट्रांसफ़र करते हैं। स्टेप टू में हम अगेन 100 मिलीलीटर, अब जो सॉल्यूशन बना है वेसल बी में, उसे वेसल सी में ट्रांसफर करते हैं। एंड फाइनली स्टेप थ्री में हम वेसल सी से 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन ट्रांसफर करते हैं। हमें यहां पर सॉल्ट की स्ट्रेंथ पता करनी है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन हम यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 100 मिलीलीटर ऑफ 10% स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन जब मिलता है 500 मिलीलीटर ऑफ 22% सॉल्यूशन से, तो हमारी एवरेज स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी फाइनल सॉल्यूशन की? टोटल क्वांटिटी है 600। इस वैल्यू को हम 600 से डिवाइड कर देंगे। यहां पर 100 कॉमन लेंगे तो ये दो जीरो यहां कैंसिल हो गई है। 10% प्लस 110% डिवाइडेड बाई 6 करने पर 120% अपॉन 6, अब ये 20% स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट मींस स्टेप वन के बाद में ये सॉल्यूशन 20% स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन हो जाएगा और यहां क्वांटिटी हो जाएगी 600 ml। अब यहां से 100 ml हम यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो 100 ml ट्रांसफर हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ है 20% और ये 500 ml है 32%। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होगी? 100 × 20% प्लस 500 × 32% डिवाइडेड बाई टोटल 600। अगेन हम 100 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, सो 20% प्लस 160% ओवर 6, 180% अपॉन 6 करने पर क्या आंसर आ जाएगा? 30%। तो अब जैसे ही 100 ml यहां ट्रांसफर होगा, ये वापस 500 ml हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 ml और इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 30%। स्टेप थ्री में यहां से 100 ml इधर आ रहा है, तो वापस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हमें स्ट्रेंथ निकालना है। 100 ml जो निकाला है उसकी स्ट्रेंथ तो है 30%। यहां जो 500, क्योंकि 100 जा चुका है, यहां बचेगा 400 ml, तो 400 ml की स्ट्रेंथ है 10%। टोटल सॉल्यूशन जो अब इस कंटेनर में, इस वेसल में हो जाएगा, वो होगा 500। आपको केयरफुल रहना होगा, अभी तक कैलकुलेशन जब हमने की थी तो 600 ml हो रहा था, लेकिन अब होगा 500। 100 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, सो 30% प्लस 40% अपॉन 5, 70% अपॉन 5 करेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 14%। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आपको बस अपनी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज रखनी थी।